Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? ये मेरा डायलॉग है. Hi everyone, I'm Shumbul Arifa. I'm a software engineer at Microsoft और आज मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ. बस बस सब सो रहे हैं, थोड़ा आराम से. Actually एक काफ़ी अच्छा milestone अचीव हुआ है, बट क्योंकि यहाँ पे बहुत रात हो रही है इसलिए अपनी एक्साइटमेंट ज़्यादा शो नहीं कर सकती मैं वो milestone बहुत जल्दी बताऊँगी इस वीडियो में. और आगे हम लोग कुछ FAQ questions भी देखेंगे जिनका मैं आंसर करूँगी, क्योंकि इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कोई भी milestone सेलिब्रेट करने का कि मैं आपके questions acknowledge करूँ और उनका आंसर दूँ. हाँ, मज़ा तो आएगा. मैंने क्वेश्चंस भी रेडी करके रखे हैं. अब बताओ ना, कौन सा माइलस्टोन अचीव हुआ? तो बात ये कि मैंने लास्ट ईयर अपना ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और सबसे पहली वीडियो में कुछ चीज़ें बताई थी. हाँ हाँ, मैंने देखी थी पहली वीडियो. उसका टाइटल था माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो और उसमें ये बताया था कि ये चैनल क्यों स्टार्ट करने जा रही हो और क्या गोल्स रहेंगे, है ना. मैंने ये भी बताया था कि मैं इस चैनल पे व्लॉग, टिप्स, पॉडकास्ट, रिसोर्सेज जैसे कि लिंक्डइन, रेज्यूमे, जॉब रिलेटेड ये सब वीडियोस भी आप तक पहुँचाऊँगी. तो इनमें से हर टॉपिक में मैंने एटलीस्ट एक वीडियो तो बना दी है. ये तो काफ़ी बढ़िया माइलस्टोन है भाई. और मेरा आगे भी यही गोल रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ. और ये सब मैंने स्टार्ट तब किया था जब मेरी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगी थी. तो मैंने सोचा कि इतनी तैयारी करी है मैंने और इस प्रोसेस में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है, तो ये सब जो भी नॉलेज है, मेरी लर्निंग है, वो मैं खुद तक क्यों रखूँ, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता. तो ये सब चीज़ें मैंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया और आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि स्पेशली हमारी टेक फील्ड में चीज़ें इतनी फास्ट डेवलप हो रही हैं कि हमारा अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे तो बहुत मुश्किल हुई अपने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, क्योंकि कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी ना इतने सारे रिसोर्सेज थे. इसलिए भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस कुछ लोगों तक पहुँचा सकूँ, चाहे वो लिंक्डइन के थ्रू हो, चाहे टेलीग्राम, चाहे यूट्यूब. वीडियोज़ बनाना तो बिल्कुल आसान नहीं होता बॉस. आई नो राइट, मुश्किल तो बहुत है. पहले कभी ऐसा लगा नहीं था जब तक खुद नहीं किया. और मैं काफ़ी टाइम से इन सब चीज़ों पे काम कर रही हूँ. काफ़ी मेहनत है, टाइम तो बहुत लगता है. तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और उन लोगों तक ये चैनल शेयर करना जिनके लिए रेलेवेंट है, ठीक है. और सब्सक्राइब से याद आया, अब हमारा माइलस्टोन पे बात करती हूँ मैं. तो रिसेंटली हमारे यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए. 10,000 बिल्कुल भी एक छोटा नंबर नहीं होता, बिल्कुल नहीं. 10,000 लोग, वो भी यूट्यूब पे, वो भी एक साल की मेहनत के बाद. ये हुआ ना एक बढ़िया मस्त माइलस्टोन. अगर कोई मुझे बोले भी ना कि 10,000 लोग इमेजिन करो, ठीक है, एक पिक्चर में, तो भी मेरे दिमाग में जो विजुअल बन के आ रहा है ना उसमें 10,000 लोग तो बिल्कुल फिट नहीं हो रहे हैं. कहने का मतलब ये है कि 10,000 इज़ नॉट एट ऑल अ स्मॉल नंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर द सपोर्ट. और अब मैं आपको एक बहुत ही ओवरवेलमिंग चीज़ दिखाती हूँ. रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरा एक बहुत ही प्यारा सा पोर्ट्रेट मुझे पार्सल किया और ये इतना ज़्यादा प्यारा है ना, जितना अच्छा ये दिखने में है उतनी इसको बनाने में मेहनत भी लगी है. मतलब 30 घंटे का एफर्ट लगा है इसमें. मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसको देख करके मैं खुश हूँ या फिर रोऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मैं किसी का डिजर्व शायद नहीं करती. तो काफ़ी अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो. इधर भी दिखाना. वाओ, कितना प्यारा है ये. ओ दिस इज़ सो गुड. एंड ये उनकी इंस्टा आईडी है, आप उनसे कनेक्ट ज़रूर कर लेना. तो अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम कुछ FAQ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स गो. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी हाउ यू गॉट जॉब एट माइक्रोसॉफ्ट? इसका मैं आपको शॉर्ट में आंसर करूंगी. मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, ऑफ कैंपस था. लिंक्डइन के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी और मैं जॉब सीकिंग कर रही थी, साथ ही साथ मैं प्रेपरेशन भी कर रही थी. और ये सब बिल्कुल आसान नहीं था. इस जर्नी में आपको काफ़ी सारी रिजेक्शंस भी मिलेंगी और साथ ही साथ आपको बहुत मोटिवेशन चाहिए प्रिपेयर करते रहने के लिए. और कंपनीज गोस्ट भी करेंगी, लेकिन हमें अपना बेस्ट देते रहना है और अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रहनी है. तो मेरी प्रेपरेशन अराउंड 6 months की थी, जिसमें मैंने 420 क्वेश्चंस अपने गिटहब पे डॉक्यूमेंट भी करे हैं. यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इसके अलावा मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए प्रैम इंटरव्यू बिट पे, काफ़ी सारे रीसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस रीड करे, कॉन्टेस्ट दिए लीड कोड पे. तो दिस वॉज अबाउट माई प्रेपरेशन इन अ नेटशेल. कंपनीज के लिए प्रिपेयर कैसे करूँ, कोई रोड मैप है? अगर आज के टाइम पे आपको कंपनीज क्रैक करनी है तो सिर्फ हार्डवर्क काफ़ी नहीं है, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों चाहिए, क्योंकि कंपटीशन ना बहुत बढ़ता ही जा रहा है और कंपटीशन में आगे रहने के लिए बहुत मेहनत चाहिए. आप कोई ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो जिससे कि आपको गाइडेंस और पर्सनलाइज रोड मैप मिल जाए. मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल रिसोर्स बताती हूँ, यू कैन चेक आउट लर्नवे.in. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मैं सबसे टॉप पर ही ऐड कर दूँगी.
तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें आईटी कंपनीज की काफ़ी सारी फील्ड्स एंड रोल्स का सपोर्ट है. फॉर एग्जांपल एसडी, क्लाउड, एआईएमएल, डेवॉप्स एटसेट्रा एटसेट्रा. तो आपको इन सारी फील्ड्स के रिलेटेड रिसोर्सेज मिल जाएंगे उनकी वेबसाइट पे, चेक ज़रूर कर लेना. और अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो भी आपको काफ़ी क्वालिटी वाले सर्टिफिकेशन से यहाँ मिल रहे होंगे, जैसे कि IBM, माइक्रोसॉफ्ट. और अगर आप मास्टर्स का सोच रहे हो तो मास्टर्स के लिए भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वेबसाइट पे आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे जिनको आप हैंड्स ऑन कर सकते हो. तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि लर्नबे पे आप अपना करियर काफ़ी अच्छे से एक्सेलरेट कर सकते हो. तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मेंटरशिप लो, वन ऑन वन प्रोजेक्ट्स और डाउट सेशन करो, और इंटरव्यूज़ के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ. अगर आपको अभी भी किसी भी चीज़ में डाउट है तो इनकी डेमो क्लास ज़रूर अटेंड करना. वहाँ पर आपको अपने टेक करियर के लिए काफ़ी क्लियर आइडिया मिल जाएगा. और ये सब आप डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक से एक्सप्लोर कर लेना. ओवरऑल द फर्स्ट स्टेप इज़ टू एनालाइज विच लेवल यू आर एट, कि आप अभी किस जगह पे स्टैंड करते हो, वो कौन कौन से स्किल्स या फिर एरियाज है जहाँ पे आप लैक कर रहे हो और जिनमें आपको अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा मेहनत करनी है. मैंने अपनी जर्नी तो आपको बता ही दी है. इसके अलावा मैं कुछ रिसोर्सेज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. बाकी जितनी अपॉर्चुनिटीज आए अपना बेस्ट देते जाओ एंड ट्राई नॉट टू मिस एनी ऑफ देम. आई अप्लाई एवरी डे लेकिन रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा. अगर आपको किसी भी कंपनी से कॉल नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपका रेज्यूमे जो है वो ATS फ्रेंडली नहीं है. तो अगर आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि शॉर्ट में JD बोलते हैं, JD अच्छे से पढ़ो, अपना रेज्यूमे उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपडेट करो और किसी ATS टूल पे जाकर के अपलोड करो और अपना ATS स्कोर चेक करो. रेज्यूमे का आइडिया लेने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो. इसमें मैंने अपना रेज्यूमे दिखाया था और इसके एक एक सेक्शन पे काफ़ी डिटेल में बात करी थी. ये वो रेज्यूमे है जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन और बाकी ऐसी बहुत सारी बिग टेक कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हुआ था. वेयर टू अप्लाई फॉर जॉब, वेयर कैन आई गेट रेफरल? ओके, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि करियर पोर्टल, लिंक्डइन जॉब्स, रेफरल के थ्रू, लेकिन इसके लिए आपके कनेक्शंस काफ़ी अच्छे होने चाहिए, रिक्रूटर के थ्रू, लेकिन इसके लिए आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल काफ़ी इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि रिक्रूटर आपको खुद रीच आउट करे और आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट हो हायरिंग टूल पे, ठीक है. और एक ऑप्शन होता है जॉब पोस्टिंग वेबसाइट्स पे. एक बार आपने अपना रेज्यूमे बना लिया, इसके बाद तो बस आपको अप्लाई करते जाना है, ठीक है. किसी चीज़ का वेट नहीं करना है, साथ ही साथ प्रिपेयर करो और साथ ही साथ अप्लाई करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर पाओ, ठीक है. हर रोज़ के 20-30 मिनट निकालो और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो और लिंक्डइन पे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल के लिए रीच आउट करो. तो ये ट्रिक आपके ज़रूर काम आएगी, एक बार ट्राई करके देखना. कम्युनिकेशन स्किल कितनी ज़रूरी है इंटरव्यूज़ के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से नहीं, इन जनरल आपको हर जगह कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी. अगर आप इंटरव्यूज़ की बात करो, इंटरव्यू स्पेसिफिक, आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आना चाहिए. जो भी आप सोच रहे हो वो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए. यार मेरे को भी पहले बहुत दिक्कत होती थी इस चीज़ में कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ, बट विथ प्रैक्टिस ये बेटर हो जाता है, ठीक है. और वो भी आपको बहुत ही प्रो वाली इंग्लिश नहीं चाहिए, बस इतना कि जो भी आप सोच रहे हो वो सामने वाले को बता सको, जो सामने वाला बोल रहा है वो आप समझ सको और कम्युनिकेट कर पाओ उनसे प्रॉपरली, वो जो पूछ रहे हैं उनका आंसर दे पाओ. स्पेशली इन इंटरव्यूज़ थिंकिंग आउट लाउड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरव्यूज़ में टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है. और उसमें भी अगर आप चुप रहे या फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो इट विल बी योर लॉस. तो ये थे कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस, आई होप इनके आंसर्स आपको क्लियर हो. अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करना जिनके लिए यूज़फुल हो सकती है. और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताना. वंस अगेन थैंक्स अलॉट फॉर 10,000 सब्सक्राइबर, थैंक्स अलॉट फॉर बींग वन ऑफ द फर्स्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स, इट मीन्स अलॉट. आई होप यू अचीव हाइट्स ऑफ सक्सेस इन योर करियर. ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग. अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो अब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी.